विधायक दल के सम्मानित सदस्यों से मुख्यमंत्री पद हेतु नाम आमंत्रित किए तो केबी सिंहदेव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन माझी का नाम प्रस्तावित किया है। और इसके साथ ही सूरमा पाड़ी रवि नारायण जी नायक, लक्ष्मण भाद और पृथ्वीराज जी हरिचंदन जी, इन सब सारे लोगों ने समर्थन किया। और साथ ही साथ हमारे विधायक दल के सभी सम्मानित सदस्यों ने तालियां बजाकर इसका जो है स्वागत किया। इसलिए मोहन माझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है। और जो इनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होगा कि श्री उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंहदेव जी और श्रीमती प्रभाती परीडा, इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान आमर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री प्रार्थी एवं आमर विधायक दल नेता श्री मोहन माझी जी को स्वागत करने मुर सर्वप्रथमे जगतर नाथ जगन्नाथ ओडिशार आराध्य देवता महाप्रभु जगन्नाथ को मोर कोटि कोटि नमस्कार एवं प्रणाम जनाऊँ। आज महाप्रभु जगन्नाथंकर आशीर्वाद रे आज भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश रे एकक संख्या गरिष्ठता हासिल करी आज सरकार प्रतिष्ठा करिवारे महाप्रभुंकर आशीर्वाद रही सहित जो 4.5 कोटी ओडिशार लोक माने जो माने कि एथर परिवर्तन करिवार जो संकेत देथिले एवं ताहा कार्यरे परिणत करी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन करी बहुमत विजयी करी आज भारतीय जनता पार्टी को सरकार आनिथिबारु से 4.5 कोटी ओडिया को मोर कोटि कोटि प्रणाम जनाउछि। धन्यवाद दउछि एवं आज जो दीर्घ 24 वर्षर शासन थिला तार परिवर्तन हेछि एवं लोक माने जो आशा एवं आकांक्षा एवं ओडिशार विकास पाई जेबड़ी भाव रे भारतीय जनता पार्टी प्रति आस्था प्रकट करिछंती निश्चित भाव रे भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन रे ताकू संपूर्ण भाव रे पूरण करिबा सहित ओडिशा को भारत वर्ष रे एक नंबर राज्य रे पहुंच करिबा पाई निश्चित भाव रे आज संकल्प नउछि एवं ता निश्चित भाव रे कार्य आगामी दिन रे ता कार्यकारी करिबो। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।